हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम गौतम जोली एंड यू आर वाचिंग ब्रेन चैलेंज यूट्यूब चैनल। तो आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट सीक्रेट एंड राइट टिप्स एंड ट्रिक। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट नंबर इज द नेम ऑफ द ऐप टेम्प नंबर। काफ़ी ज़्यादा यूनिक ऐप्स है और इस ऐप्स की मदद से क्या कर सकते हैं कि आप अपना पर्सनल एक टेम्परेरी नंबर को जनरेट कर सकते हैं और उस नंबर से आप अपने के लिए एक व्हाट्सएप अकाउंट बना सकते हैं और उस व्हाट्सएप अकाउंट से आप किसी के साथ कहें तो चैट कर सकते हैं और 15 से 20 मिनट बाद वह नंबर आपके लिए डीएक्टिव हो जाएगा और आपका कोई भी पर्सनल डिटेल्स उसके पास नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको यह ऐप्स को डाउनलोड करना होगा। जेड फ्री नंबर का एक बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको कंट्री चूज करने के आएंगे। यहाँ पर आपको इंडिया में जितने भी कंट्री है आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि यूके मैं सिलेक्ट करता हूं। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद यूके के जितने भी नंबर हैं मुझे देखने को मिल जा रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं इंडिया का कोई भी नंबर नहीं है। आप इसे सिंपली चूज कीजिएगा। इस पर चूज करने के बाद देख सकते हैं यहां पर जितने भी अभी जो लोग अभी यूज किए हैं इनको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। अब इस नंबर से आप गूगल अकाउंट बना लीजिए या फिर कहें तो आप व्हाट्सएप अकाउंट बना लीजिए। टेम्परेरी के लिए इसे आप यूज कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली डीएक्टिव हो जाएगा, इसका कोई लिमिट होता है। तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक ऐप्स है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड एंड चेकआउट करना और आप मुझे कमेंट में बताना कि यह ऐप्स आपको कैसा लगा। नेक्स्ट जो ऐप्स है उसका नाम है माई नेम रिंगटोन। इस नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि आप अपना नेम का पर्सनल रिंगटोन बना सकते हो। अब देख सकते हो माई नेम रिंगटोन इस ऐप्स का नाम है। अब यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले तो आप अपना नेम ऊपर में ऐड कीजिए और यहाँ पर आपको लैंग्वेज दिखाई देगा तो आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको परफिक्स को भी सर्च करना होगा। परफिक्स को सर्च करने के बाद फीमेल मेल का जो वॉइस होता है उसे चूज करना होगा। वॉइस रिपीटेशन कितने बार होना चाहिए उस चीज़ को सिलेक्ट करना होगा। बैकग्राउंड म्यूजिक मिलते हैं, आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। स्पीच लेंथ एंड बैकग्राउंड वॉल्यूम को भी चूज करना है और प्ले पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका नेम ही रिंगटोन बन जाएगा, जैसे कि मैं प्ले करता हूं। हाय गौतम कुमार, कोई आपको फोन कर रहा है। हाय गौतम कुमार, कोई आपको फोन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा तरीका से मेरा रिंगटोन बन चुका है। अगर मैं इसे सेव करना चाहूँगा तो सेव का बटन दिखाई देगा, इस पर मुझे सिंपली क्लिक कर देना है। प्रिपेयरिंग डाटा है और यह बहुत ही आसान तरीका से सेव हो जाएगी और अब हम उसे रिंगटोन के रूप में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऐप्स है उसका नाम है क्लियर कैश। अब काफ़ी ज़्यादा यूनिक ऐप्स है, ध्यान से सुनना। होता है क्या है कि हम लोग स्मार्टफोन में कोई भी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से या फिर सिस्टम के साथ जो भी ऐप्स आया है उसे लॉन्ग टाइम तक यूज करते करते हम लोग के फ़ोन में कैचअप फाइल भर जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैनेज ऐप्स में गया। मैनेज ऐप्स में जाने के बाद मैं यहाँ पर व्हाट्सअप को भी सर्च करता हूँ। अब व्हाट्सअप को मैं सर्च किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ अभी 1 GB हो चुका है, लेकिन एक्चुअली में जो व्हाट्सअप का जो साइज़ है वो 35 या फिर 40 MB के आसपास है। लेकिन यह इतना कैसे भर चुका है तो इसी को कहते हैं कैचअप फाइल, जो आपके फ़ोन के स्टोरेज को फुल कर देता है। तो इसी को डिलीट करने के लिए आपको कैचअप क्लीन कैचअप का एक ऐप्स आता है जिन्हें तुमको डाउनलोड करना होता है। अब देखो इसे सेटिंग में जा करके बारी बारी से सारे ऐप्स को आप कैचअप फाइल को डिलीट कर सकते हो, लेकिन इस की मदद से क्या होगा कि बहुत ही आसान तरीका से एक क्लिक करने के बाद सारा कैचअप फाइल जितने भी ऐप्स है सभी का कैचअप फाइल डिलीट हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक ऐप्स है, जैसा कि देख सकते हो ऐप कैच का एक बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देने के बाद इसे आप डिलीट कर सकते हैं। मैं अभी टेम्परेरी इसे डिलीट कर दिया था इसलिए आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है और टेम्परेरी फाइल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें आप भी डिलीट कर सकते हैं। इस पर सिंपली क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं टेम्परेरी फाइल यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा और ओके पर क्लिक करूँगा, देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से डाउनलोड हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा यूनिक ऐप्स है, यहाँ पर लॉन्ग फाइल जो है उसे भी डिलीट कर सकते हो। एम्प्टी फोल्डर जो आपके फ़ोन में पड़ा हुआ है उसे भी बहुत ही आसान तरीका से आप डिलीट कर सकते हो, जैसा कि देख सकते हो मैं इसे भी बहुत ही आसान तरीका से यहाँ पर डिलीट कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक ऐप्स है और इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन का स्टोरेज जो है फुल नहीं होगा और आपके फ़ोन जो है बहुत ही स्मूथ चलेगा। नेक्स्ट जो ऐप्स है उसका नाम है स्टाइलिश टेक्स्ट। देखो व्हाट्सअप तो तुम जरूर यूज़ करते होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप व्हाट्सअप ना यूज़ करते होंगे और वहाँ पर आप बहुत ही अच्छे अच्छे स्टाइल में टेक्स्ट को भी लिखना पसंद करते होंगे। तो उसी के लिए मैं आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिक ऐप्स बताऊँगा जिसका नाम है स्टाइलिश टेक्स्ट। इस ऐप्स को ओपन करने के बाद आपके फ़ोन में बहुत ही अच्छे अच्छे टेक्स्ट स्टाइल देखने को मिलते हैं, जैसा कि स्टाइलिश टेक्स्ट का एक बटन दिखाई देगा। अब मान लिया जाए मैं यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को लिखूँगा तो वह एक स्टाइल के रूप में बन जाएगी, जैसा कि मैं यहाँ पर अगर लव भी लिख रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छे तरीका का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है जो मैं काफ़ी आसान तरीका से मैं अपने फ्रेंड के पास शेयर कर सकता हूँ। अब शेयर करने के लिए बहुत ही आसान होता है, सबसे पहले तो आप यहाँ से कॉपी कर भी वहाँ पर जाकर पेस्ट कर सकते हैं या फिर आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर शेयर का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है, व्हाट्सएप पर जाना है। जिस भी फ्रेंड के पास आप मैसेज को सेंड करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। मैं तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट को चूज कर रहा हूँ और यहाँ पर ऐसे कर आप बहुत ही आसान तरीका से सेंड कर दीजिए। अब इस तरीका से सेंड करने के बाद आपका जो टैक्स है काफ़ी ज़्यादा यूनिक स्टाइल में जाएगा और यहाँ पर आपको बहुत सारे टैक्स स्टाइल भी मिल जाते हैं जो आप चूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो ऐप्स है उसका नाम है व्हाट्सएप क्लीनर। काफ़ी ज़्यादा यह भी यूनिक ऐप्स है। होता क्या है कि हम लोग अपने फ्रेंड के साथ या फिर फैमिली मेम्बर के साथ व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज, वीडियो मैसेज बहुत बार ऐसा होता है कि इधर उधर सेंड करते रहते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि बहुत साल के बाद, बहुत महीनों के बाद हम लोग कोई भी टेक्स्ट को डिलीट नहीं करते हैं। अब उससे क्या होता है कि व्हाट्सएप का स्टोरेज फुल हो जाएगा और आपका मेमोरी भी फुल हो जाएगा, तो फ़ोन जो है स्मूथ नहीं चलने वाला है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा, व्हाट्सएप नाम का एक ऐप्स है जिसका नाम है व्हाट्सएप क्लीनर। अब यहाँ पर आने के बाद आप जितने भी इमेज को बिना मतलब कि आप अपने स्मार्टफोन में रखे हुए हैं यह ऐप से बता देगा। जैसा कि तुम देख सकते हो इमेज वाले बटन पर जाएंगे तो इमेज में जितने भी मेरा बिना मतलब का जो फोटो पड़ा हुआ है जिसका कोई भी काम नहीं है यहाँ पर मुझे इमेज बताया जा रहा है। मैं चाहूँ तो इसे सिंपली तरीके से डिलीट कर सकता हूँ। अब डुप्लीकेट का भी ऑप्शन दिखाई देता है, अगर आपके फ़ोन में एक ही फ़ोटो डबल है तो वहाँ पर भी इसे आप डिलीट कर सकते हैं। तो यह कहें तो छानबीन कर आपके फ़ोन का सारा फोटो वीडियो आपको बता देगा। ऑडियो भी यहाँ पर दिया गया है जिन्हें आप डिलीट कर सकते हैं। वीडियो को भी यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स को ऑप्शन दिया गया है, डाटाबेस का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आप सिंपली टोटली बहुत ही आसान तरीका से सारा चीज़ को क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा यूनिक ऐप्स है, ऐप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। वैसे आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और हाँ यह भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।